द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एक्यूमलेटेड चार्ज डायरेक्टली टू द अर्थ बाई द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर इज नोन एज अर्थिंग ओके समझते हैं इसको अगर हम लोग घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देखें सपोज कर लो कूलर है ओके सो कूलर का जो बॉडी है ये मेटलिक होता है ओके okay? जनरली तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि इसके बॉडी पे किसी वजह से चार्जेस अगर एक्यूमलेट हो गए ठीक है एंड हमने इसके बॉडी को टच कर दिया ओके okay, एंड हम अगर अर्थ के साथ कनेक्शन में है ठीक है फूटवेयर नहीं पहने हुए हैं ओके सो क्या होगा कि ये जो चार्ज है ओके okay, इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ओके okay, जो अर्थ है ठीक है ये जीरो पोटेंशियल पे रहता है ओके okay, यहाँ पे चार्जेस एक्मलेट है तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा ओके सो हमारे बॉडी से होते हुए ये जो चार्ज है ये अर्थ में चले जाते हैं ठीक है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो चार्ज फ्लो होंगे ओके okay, नाउ इस वजह से क्या होगा कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ठीक है इसी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमारे हाउस होल्ड में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ओके उन सबको हम लोग अर्थिंग करते हैं ओके पहले से ही क्या करते हैं कि उसके बॉडी को किसी एक वायर से कनेक्ट करके अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं ओके ना अब बॉडी में कहीं भी चार्ज एक्मलेट होगा क्या होगा कि ये चार्ज इस वायर के थ्रू सीधे डायरेक्ट जाके अर्थ में चला जाएगा ओके सो so, इसी को बोलते हैं अर्थिंग दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग

सेकेंड पार्ट है हाउ इट इज डन ओके इसका भी आंसर हम लोग इसको कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं बॉडी को जो भी हमारे हैं ठीक है थीके? उसके बॉडी को डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट करके अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ओके सो ऐसे अर्थिंग हो जाती है ओके okay? सो so, अगर सेकेंड पार्ट का आंसर देखें तो ये है इट इज डन बाई कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टू द अर्थ यूजिंग वायर ओके इलेक्ट्रिक डिवाइस को वायर का यूज करके अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ओके सो so, ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा डिवाइस है ओके उसको अर्थिंग कर दिया गया है ओके नाउ लास्ट पार्ट है व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस ओके सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक सिग्निफिकेंस तो हम लोगों ने ये देखा कि ये अर्थिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं ठीक है उस उसपे चार्ज का एक होने का चांस खत्म हो जाता है ओके सो so, ऐसे में क्या होता है कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है ये अर्थिंग ओके सो so, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें अर्थिंग का तो वो है अर्थिंग कीप्स द ह्यूमन सेफ फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक सेकेंड है अर्थिंग प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट ओके एंड लास्ट पॉइंट है अर्थिंग प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द डैमेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम लीकेज करंट ओके अगर हमारे में ठीक है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से करंट लीक हो रहा है ओके सो करंट क्या होगा लीक होने का मतलब कि जो करंट है वो बॉडी के थ्रू फ्लो हो रहा है ओके okay? सो so, अगर बॉडी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है एंड हम लोग बॉडी को टच करेंगे तो क्या होगा हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ओके okay? सो so, इसीलिए अगर यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है तो ये जो करंट है इसको एक पाथ मिल जाएगा डायरेक्टली अर्थ में जाने का ओके okay? सो so, हम लोग सेफ रहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक से ठीक है सो ये है कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू गॉट इट थैंक्स फॉर क्लास कर लेकर नीट आई आई टी जेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर